नमस्कार, किचन एटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी गणेश चतुर्थी स्पेशल चना दाल मोदक है। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चना दाल लिया है। चना दाल को अच्छी तरह से धोकर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए, यहाँ पर चना दाल अच्छी तरह से भीग गए हैं। भीगे हुए दाल को स्ट्रेनर के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, जिससे इसमें से सारा पानी निकल गया है। अब दाल को पीस लेंगे। इसके लिए इसे एक ग्राइंडर जार में पलट देंगे। दाल को पीसते समय इसमें पानी ऐड नहीं करना है। यदि ज़रूरत हो तो 1 से 2 चम्मच पानी ही ऐड करें और दाल को पल्स मोड में चलाते हुए हल्का सा दरदरा ही पीसना है। दाल को पीस लिया है। अब दाल की पिट्ठी को एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। आप देख पा रहे हैं, दाल का टेक्सचर हल्का दरदरा है। इसे पीसते समय दरदरा ही रखना है। अब थोड़ी थोड़ी सी पिट्ठी लेंगे और उंगलियों से इसे वड़े का शेप दे देंगे। वड़ों को तलने के लिए मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है। तेल को मीडियम गर्म कर लिया है। अब इसमें एक एक कर वड़े डाल देंगे। एक बार में तलने के लिए उतने ही वड़े डालें जितने कि ये तेल के सरफेस में आसानी से आ जाए, नहीं तो ये वड़े आपस में चिपकने लगते हैं। इस तरह से इन वड़ों को दोनों तरफ से पलटते हुए हल्का सुनहरा हो जाने तक तल लेंगे। इन वड़ों को तलते समय गैस का फ्लेम मीडियम पर रखें, जिससे वड़े अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। इन वड़ों का कलर हल्का सुनहरा हो गया है। अब इन्हें हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के सभी वड़ों को तलकर तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर सभी वड़ों को तलकर रख लिया था। वड़े ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। वड़ों के इन टुकड़ों को मिक्सर की जार में डालेंगे और इन्हें पल्स मोड में चलाते हुए हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। वड़ों को ग्राइंडर में चलाकर इनका चूरमा तैयार कर लिया है। तैयार किए हुए चूरमा को एक बाउल में पलटकर रख लेंगे और इस तरह से बाकी के सभी वड़ों को पीसकर इनका चूरमा तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये हल्के से दानेदार हैं। बस हमें पीसते समय इसका टेक्सचर इसी तरह का रखना है। चाशनी बनाने के लिए एक पैन लेंगे। इसमें डालेंगे 1 कटोरी प्लस 1/4 कटोरी चीनी। टोटल हम यहाँ पर 1/4 कटोरी चीनी लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कटोरी पानी। गैस को ऑन कर लेंगे और चीनी को घुलने तक इसे चला लेंगे। चीनी घुल गई है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। चाशनी में ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। इससे चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे पानी में भिगोई हुई केसर के रेशे। साथ ही इसमें कलर के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा खाने वाला येलो फूड कलर और थोड़ा सा खाने वाला ऑरेंज फूड कलर। कलर ऐड कर लेने से मोदक का रंग अच्छा आता है और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। चाशनी लगभग तैयार है। अब इसे चेक कर लेते हैं। मोदक के लिए हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। इसका टेक्सचर थोड़ा सा चिपचिपा और गाढ़ा होना चाहिए। चाशनी हल्की सी चिपचिपी और गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें चाशनी को पकाना नहीं है। गर्म चाशनी में तैयार किया हुआ चूरमा ऐड कर देंगे। अब वापस से गैस ऑन कर लेंगे और इस मिश्रण को धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। आपने कई अलग अलग तरह के मोदक खाए होंगे, लेकिन इस चना दाल के मोदक का टेस्ट डिफरेंट और बिल्कुल यूनिक होता है। और साथ ही इस मोदक को आप 4 से 5 दिनों के लिए बड़े आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। आखिर में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच घी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिश्रण थोड़ा सा ड्राई होने लगा है। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे, जिससे कि चूरमा चाशनी को अच्छी तरह से सोख कर पाए। मिश्रण को रखे हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसके मोदक बना लेते हैं। मोदक को शेप देने के लिए मैंने इस तरह का मोदक मोल्ड लिया है। इस मोल्ड को ऑनलाइन या फिर लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। इस मोल्ड पर थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे, जिससे कि मोदक आसानी से डीमोल्ड हो जाए। इस मोल्ड में केसर के रेशे, थोड़े से तरबूज के बीज रख देंगे। इससे हमारा मोदक दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब इस मोल्ड के तीनों हिस्सों पर मोदक वाला मिश्रण रखकर हल्के हाथ से इसे दबा देंगे। मिश्रण रखने के बाद मोल्ड को टाइट हाथों से बंद कर देंगे। अब इस नीचे वाले हिस्से को भी हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, जिससे कि मोदक अच्छी तरह से शेप ले ले। अब धीरे से मोदक मोल्ड को खोल लेंगे और लीजिए, ये सुंदर सा मोदक बनकर तैयार है। दिखने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी ये उतने ही टेस्टी हैं। इस गणेश चतुर्थी पर आप भी चना दाल मोदक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यह आपको बेहद पसंद आने वाली है।
साथ ही यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल किचन एटीएम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।